विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके बड़े बेटे आकाश को लेकर कई तरह की खबरें आई हैं। पहले कहा जा रहा था आकाश विदेश में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया आकाश विदेश में रहता है लेकिन पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रहा है। यहाँ एक तरफ विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, वहाँ दूसरी तरफ बड़ा बेटा आकाश लखनऊ के कृष्णा नगर में इंद्रलोक कॉलोनी पर पहुंच गया। ACP कृष्णा नगर दीपक कुमार बताते हैं विकास की पत्नी ऋचा और छोटा बेटा शांतनु भी लखनऊ पहुंच गए। बड़े बेटे आकाश ने अपनी दादी सरला को देखा, दादी के गले लिपटकर रोने लगा। शनिवार को पूरा परिवार विकास दुबे का बंद करके अपने मकान के भीतर बैठा रहा। घर के बाहर जो मीडिया खड़ी थी, परिवार के लोगों ने मीडिया से कहा कि हमें अब अकेला छोड़ दो, हमें हमारे हार पर छोड़ दो। विकास ने जो गलती की उसकी सज़ा विकास को मिल गई, अब हम सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। आकाश का एक वीडियो जो सामने आया है, उस वीडियो में जब कृष्णा नगर आकाश पहुंचा, पूरी तरह से घबराया हुआ, रोते हुए दादी और माँ से मिलने की बात बार बार कह रहा था। मीडिया कर्मियों को कहता, आप जो पूछोगे मैं सब बताऊंगा, सिर्फ मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरी दादी से मिला दो। आकाश ने पुलिस कर्मियों के हाथ जोड़े, जिसके बाद उसे सरला दुबे के घर तक ले जाया गया। दादी को देखते ही पोता फफक पड़ा, दादी से लिपट कर खूब रोया। दादी प्यार से अपने पोते को पुचकारती रही। इसके बाद आकाश की चाची अंजलि ने भी उसे गले लगाया। घर का माहौल कुछ देर के लिए भावुक हो गया। पुलिस के जाने के बाद सरला दुबे ने अपना मकान बंद किया। अगले दिन मीडिया कर्मी विकास के बच्चों से, विकास की पत्नी से बातचीत करने के लिए घर पहुंचे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। विकास के मकान में ताला लगा हुआ है, निगरानी के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। सरला के घर से पुलिस की निगरानी सुरक्षा हटा ली गई है। अब इन सबके बीच में विकास दुबे के बड़े बेटे को दोबारा माँ ऋचा दुबे के साथ देखा गया LDA अधिकारियों से मिलने के लिए जब ऋचा पहुंची। खैर, आकाश ने अभी फिलहाल अपने पिता के मौत पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन छोटे बेटे शानू ने जरूर पिता के अंतिम संस्कार पर रोते हुए कहा कि ये सब क्या हो गया पापा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।